नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के वैकेंसीज़ में। आर के वैकेंसीज़ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, ऑल ओवर इंडिया में इन तीनों पद पर जो भी वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट में आए, स्टेट यूनिवर्सिटी में आए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए, कोई भी परमानेंट, इन थ्री पोस्ट में कोई भी परमानेंट, थ्री परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है, वो आपके लिए लेके आते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आपके लिए हमने एक वो ये टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, @RKVacancies। इस पे जाके आप चेक भी कर सकते हो कौन कौन सी पिछले प्रीवियस में हमने कौन कौन सी वैकेंसी आपके नोटिफिकेशन उस ग्रुप में डाले हैं। वो पिछली वैकेंसीज भी आप इस ग्रुप में जाके चेक कर सकते हो। आज जो बात करेंगे हम, वैकेंसी नंबर 14 की बात करेंगे। वैकेंसी नंबर 14 में देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये तीन पद पर वैकेंसी निकली हुई है और इन तीन पद पे वैकेंसी जो है परमानेंट। ध्यान रहे कि हम अपने चैनल पे सिर्फ परमानेंट वैकेंसी को ही डिस्कस करते हैं और आपके लिए मैं परमानेंट ही वैकेंसीज लेके आता हूँ। और अब हम चलते हैं सीधा, ये तीनों वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगी, चलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम पे आ गए, टेलीग्राम पे आने के बाद, टेलीग्राम पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको। टेलीग्राम पे आने के बाद टेलीग्राम पे सर्च करना है, सर्च करना है @RKVacancy। RKVacancy जैसे ही सर्च करोगे आपको ये ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप को आते ही ज्वाइन कर लेना है या सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, ये वैकेंसी नंबर 14 पे आप यहाँ पे जाके वैकेंसी नंबर 14 देख लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो यहाँ पे तीन बिंदुओं पर क्लिक करोगे, क्लिक करके सर्च बटन पे जाओगे। जैसे सर्च बटन पे जाओगे वहाँ पे वैकेंसी नंबर 14 लिखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे आना है, ये नोटिफिकेशन दे रखा है मैंने, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और इसे ओपन कर लेना है। इतना काम कर लिया, अब हम जो डिस्कस करते हैं, ये जो वैकेंसी निकली है बच्चों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम है, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया नगर में स्थित है, न्यू दिल्ली में, ये पिन कोड है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको निकला है 20/2/2023 को, ठीक है, 20/2/2023 को ये एडवर्टाइजमेंट निकला है और इस एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल 2023, तो बहुत लास्ट, ठीक है। ओके चलो पढ़ लेते हैं वैसे इसको। एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम द इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड अदर एकेडमिक पोजिशन इन जामिया मिलिया, सो टू रीच द इन रिक्रूटमेंट, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ओके ओके
ये जो नोटिफिकेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो जो नोटिफिकेशन आते हैं वो नोटिफिकेशन में टेबल दी होती है वैकेंसी की, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में ऐसा टेबल दे नहीं रखा है, इन्होंने सीधा लिख रखा है यहाँ पे वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी ऑफ हिंदी। इसमें निकला है एक असिस्टेंट की प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है पेडागोजी ऑफ हिंदी, वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आपको ये वैकेंसी इस तरीके से पढ़नी होगी, इसी के नीचे इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है जो कि यूजीसी, जिस जो कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। देखो आके पढ़ लो, वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी ऑफ आर्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, या पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी देखनी पड़ेगी। नर्सरी एजुकेशन में निकली एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, एक देखो एग्रीकल्चर में निकली है डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में निकली है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव निकली है पॉलिटिकल साइंस में, और कंपेरेटिव रीजनल और सिविलाइजेशन इनमें निकली है, एसोसिएट प्रोफेसर की इनमें निकली है देखो, साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स और सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडी एंड द पॉलिसी रिसर्च, असिस्टेंट प्रोफेसर की इकोनॉमिक्स में निकली है और साइकोलॉजी में निकली है। देखो एमए में आपके 55% होने चाहिए और कैटेगरीज वाइल को छूट मिल जाएगी, नेट होना चाहिए आपका, या तो नेट होना चाहिए, स्लेट और सेट हु आर हैव बीन अवार्डेड एपीजी ए अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रोसीजर फॉर द अवार्ड, ठीक है, रेगुलेशन टू देर अमेंडमेंट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज द केस। तो जो बच्चे पीएचडी कर रखे हैं उन्हें नेट भी नहीं चाहिए, उन्हें ना तो सेट चाहिए ना स्लेट चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए उनके लिए जिनके पास पीएचडी है, ये दे रखा है। एक फिजिक्स में निकली है वैकेंसी, एक इंग्लिश में निकली है, एक मैथमेटिक्स में निकली है, ठीक है, ये सारी आप देख सकते हो वैकेंसी, है ना, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये पूरी पढ़ लीजिएगा, अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है और नोटिफिकेशन देना है, और वो कि मैं कर रहा हूँ वो चीज़, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। देखो एक एक लाइन तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ये पे लेवल है जो सबको पता होती है, ठीक है। जर्नल इंस्ट्रक्शन में देख लो कुछ हो तो देख लेते हैं। ये इस पे लिख रखा है कि रिसर्च स्कोर परफॉर्मा होना चाहिए आपका, जो कि यहाँ पे जाके इस साइट पे जाके आपको वो मिल जाएगा परफॉर्मा, वो आपको भर के देना है। ठीक है, हो गया, कुछ है नहीं, ये पढ़ लीजिएगा ये चीज़ें, और कुछ है नहीं इसमें।
ये मेन यूनिवर्सिटी साइट है, इस पे पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे इसी पे आएंगे, तो इस साइट को विजिट कर देना। लास्ट डेट ये है 17/4/2023। ₹250 फीस है एस सी एस टी की, और लोग हैं उनकी ₹500। ये सारी चीज़ें यही सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई नई नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूँ, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।